हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूँ ऋषभ। फ्रेंड्स, हमने पिछले दो वीडियो में क्लाइमेट चैप्टर जो शुरू किया था उसका हमने कुछ पार्ट कर लिया है। जहाँ तक मुझे याद है, हमने लैटिट्यूड से लेकर ओशियन करेंट्स तक हमने टॉपिक कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेनफॉल और उसके बाद माउंटेन, जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि मैंने क्लाइमेट चैप्टर जो शुरू किया, आप लोगों ने उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और मैंने जैसा पहले बताया था कि इस चैप्टर को कंप्लीट होने पर मैं सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ज़रूरत है। अगर कमेंट आया, बहुत सारे कमेंट आए कि हाँ क्वेश्चन की ज़रूरत है क्लाइमेट चैप्टर पर, तो मैं ज़रूर करवाऊंगा। नहीं तो उसके बाद, जैसा कि मैंने पहले मैथ्स चैप्टर के कुछ ट्रिक्स बताया था, वैसे मैं बताता चलूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हमारा पहला टॉपिक जो है वो है रेनफॉल। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया की क्लाइमेट की बात कर रहे हैं और रेनफॉल आता है, तो हमें एक बात सबसे पहले मालूम होनी चाहिए, वो है वर्ड मानसून। या कि रेनफॉल के बारे में बात करें और मानसून की बात ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इंडिया में जितने भी रेनफॉल होते हैं उसका 75 to 80% रेनफॉल इंडिया में मानसून की वजह से होता है। तो पहले मानसून को जानेंगे। मानसून क्या, जैसा लिखा गया है आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इट इज़ ए अरेबिक वर्ड ड्राइव फ्रॉम मौसम। मौसम एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है अरबी भाषा में सीजन, यानी मौसम ही होता है। और जैसा लिखा गया है, इट इज़ ए, जैसा देखिए, इट इज़ ए सीजनल विंड ब्लोइंग टू द रीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम मे टू सेप्टेम्बर। अब इसे हम समझ लेते हैं क्या है। जैसा लिखा गया है, ये एक विंड है। हम ये समझ लें, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जियोग्राफी में आपको कोई भी लोकेशन बोले उसे ट्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, हमारा ये अर्थ है और ये इक्वेटर है। इंडिया कहाँ, इक्वेटर से ऊपर है। ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसे मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। इंडिया मान लेता हूँ मैं इस रीजन में है ऐसे। तो बोल रहा है विंड जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ ब्लो करता है, यानी कि इधर ब्लो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि विंड जो कहाँ से इमर्ज होगा, साउथ वेस्ट से, तभी तो साउथ ईस्ट की तरफ जा। तो मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही होगी क्या कहना चाह रहा हूँ। और पहले के, बहुत पहले जब मैं बात करूँ तो यह ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता था, क्योंकि हमारा अरब के देशों से गल्फ जो कंट्री बोलते हैं, मिडिल ईस्ट, वहाँ से हमारा ट्रेड जो होता था इसी विंड के सहारे होता था। यह विंड जो है वहाँ के व्यापारियों को बोट को इजीली कवर करने में, इंडिया लाने में बहुत ही हेल्पफुल होती थी। और जैसा कि फिर से आगे लिखा गया है, यह विंड जो है वो भारत में वर्षा का मौसम से लेकर मई टू सितंबर, जैसा लिखा गया है, और इसे वेट मानसून कहते हैं। मानसून टू टाइप्स के होते हैं। अब ये तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, विंड इमर्ज होता है, इंडिया में आता है, इससे रेनफॉल होती है। अब सेकेंड है, जब मानसून समाप्त होने वाला है तब क्या होगा, तो यही विंड रिटर्न होता है। अब नॉर्थ हिमालयन है, माउंटेन चेन है आगे, तो वहाँ से कोलाइड करने के बाद ये विंड रिटर्न हो जाती है, आगे नहीं जा पाती। तो जब विंड रिटर्न होती है, ये तो हम देखते हैं कभी कभी, आप अक्टूबर या नवंबर के मंथ्स में देखोगे, तो जैसे इंडिया का ये मैप है, साउथ इंडिया की मैं पिक्चर ड्रॉ किया हूँ, साउथ इंडिया का ये, यहाँ पे तमिलनाडु है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट में रेनफॉल होती है अक्टूबर नवंबर में। तो क्यों होती है, जब मानसून रिटर्न होता है तो यहाँ पर रेनिंग का यहाँ पर कारण होता है। मानसून रिटर्न होने के साथ यहाँ वर्षा होती है। तो मानसून आता है फिर भी, तब भी वर्षा होती है, मानसून जाता है फिर भी वर्षा होती है। और यह रेन जो होता है वह अक्टूबर से अप्रैल के मंथ थोड़ी कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ड्राई मानसून। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, मानसून आपको समझ में आ गया होगा। उसके बारे में अब रेनफॉल की बात कर रहे हैं तो कुछ और जान लेते हैं। इंडिया का जो एनुअल रेनफॉल है, इंडिया का जो एनुअल रेनफॉल है 105 सेंटीमीटर इन ए ईयर, एक साल में ऑन एवरेज 105 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसा मैंने पहले आपको बताया, रेनफॉल होती है उसमें मानसून का कंट्रीब्यूशन 75 to 80%, इसे नोट डाउन आप कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है, एक हमारे मेघालय, एक हमारा स्टेट है, उसमें एक जगह का नाम है मौसारम, ये लिखा गया है, वह जो है हाईएस्ट रेनफॉल रिसीवर है पूरे पृथ्वी पर का। और वहाँ का एनुअल रेनफॉल है वह है 1187। कई बार आपने बुक में देखा हुआ चेरापूंजी, तो चेरापूंजी आंसर नहीं है, मौसेरम आंसर उसका होगा। ठीक है, एक और बात, हमारे कंट्री में जो वर्षा होती है, तूफान आता है, साइक्लोन आता है, इसके प्रिडिक्शन कौन करता है, एक डिपार्टमेंट का नाम है IMD, इंडियन
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आप इसे भी नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद का जो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है वो है माउंटेन, ठीक है। अब माउंटेन क्या है यह हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि सब जानते हैं जो जिसकी हाइट होती है, एल्टीट्यूड होती है, उसे माउंटेन बोल सकते हैं। लेकिन हमें माउंटेन के बारे में पढ़ना है, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, माउंटेन्स कितने टाइप्स के होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है हम वही पढ़ेंगे। आपको कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में नहीं आया कि व्हाट इज़ माउंटेन, माउंटेन कैसा दिखता है, उसका कलर क्या होता है, ये सब क्वेश्चन बकवास की बातें हैं, कभी आएगी नहीं। तो हम जानते हैं पहले टाइप्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन, और पहला होता है फोल्ड माउंटेन, मैं लिख देता हूँ और शायद आपने पढ़ा भी होगा। दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा टाइप का माउंटेन होता है वो वोल्केनिक माउंटेन होता है, वोल्केनिक माउंटेन। तीनों माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसे हम बारी बारी से जान लेते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास जियोग्राफी में एक थ्योरी है, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। उस थ्योरी के अनुसार क्या कहा गया है उसे हम देख लेते हैं। कहा गया है कि हमारा जो अर्थ है वो बहुत सारे छोटे 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 प्लेट्स पे मूव करते रहते हैं, उस थ्योरी के अनुसार कहा गया है। तो मूव करने से क्या हुआ, कभी कभी ये जो प्लेट्स होते हैं, एक से अधिक प्लेट्स एक साथ आकर कोलाइड करते हैं, और हेड टू हेड कोलिजन होता है, जैसा मैंने फिजिक्स में पढ़ रखा है। तो इस कोलिजन के बाद क्या होता है, आप देखोगे कि कहीं टू बॉडीज़ कहीं भी कोलाइड, जब कहीं भी टू बॉडीज़ कोलाइड करेगी तो हम जानते हैं कि वहाँ पे हाइट क्रिएट हो गई, क्योंकि उसके जो अपर साइड जहाँ से कोलिजन होगा वो ऊपर की तरफ उठेगी, और ऊपर की तरफ उठने से एक यहाँ पे हाइट क्रिएट होती है, और इसी हाइट के क्रिएशन के कारण फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। बहुत ही सिंपल थ्योरी, आप समझे फिर से कि कहीं भी, जैसा कि पहले आप समझिए यहाँ से कि हमारे पास जो थ्योरी है टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, उसके अनुसार पृथ्वी जो है सो बहुत सारे प्लेट्स पे मूव करती रहती है, पृथ्वी का जो अपर सरफेस है क्रस्ट। तो कभी कभी होता है कि एक दो या दो से कभी कभी अधिक प्लेट्स एक साथ आपस में कोलाइड करते हैं। कोलिजन के कारण क्या होता है कि उनमें हाइट का फॉर्मेशन होता है, जो प्लेट्स होते हैं ऊपर की तरफ उठ जाती है, और ऊपर की तरफ उठ जाने के कारण हाइट का निर्माण होता है और फोल्ड माउंटेन बन जाता है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स का, जैसा कि सबसे बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन हम जानते हैं कहाँ पे है, हमारे इंडिया का ही है, सारा उसका रेंज जो है माउंटेन का हिमालयन में है। अब हमें नहीं पढ़ना है टाइप्स ऑफ हिमालयन माउंटेन क्या होते हैं, शिवालिक हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ये सब नहीं पढ़ने हैं अभी। उसके बाद अब सेकेंड टाइप्स एग्जाम्पल होता है फोल्ड माउंटेन में, आप सीधे नोट डाउन करते जाइए। एक रॉकी माउंटेन है और नॉर्थ अमेरिका में है, रॉकी माउंटेन मैं लिख देता हूँ नॉर्थ अमेरिका में है। मैंने पहले बताया हिमालयन माउंटेन जो एशिया में है, और उसके बाद है एंडिस। एंडिस के बारे में फ्रेंड्स एक और बात लिख आप लोग नोट डाउन करना, ऐसे तो यह साउथ अमेरिका में है और यह सबसे लंबा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन रेंज है। हिमालयन के बारे में क्या, सबसे इसका हाइट सबसे ज़्यादा है माउंट एवरेस्ट, हम जानते ही हैं, तो बहुत ही कॉमन सी बात है। लेकिन सबसे लंबा जो माउंटेन चेन है वह है एंडिस का है। तो फोल्ड माउंटेन इतना ही है। इसके बाद इस फ्रेंड्स जो सेकेंड टाइप्स के माउंटेन हैं उसका नाम है ब्लॉक, ब्लॉक माउंटेन्स। यह ब्लॉक सुनने से ही आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, ये भी टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ थ्योरी पे बेस्ड है। तो इस माउंटेन के बारे में थ्योरी क्या दी गई है, कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि मान लीजिए यह अर्थ का अपर क्रस्ट है और नीचे प्लेट्स मूव कर रही हैं, तो यहाँ से या यहाँ से कहीं कहीं से यह प्लेट टूट कर गिर गई तो कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा फॉर्मेशन होगा, आपको नीचे वाले डायग्राम को देखना है, ऐसा फॉर्मेशन होगा। तो ये जो हाइट क्रिएट हुई और यहाँ जो हाइट क्रिएट हुआ यह माउंटेन का फॉर्मेशन का कारण हो जाता है। ये हाइट हुआ नीचे या डेप्थ हुआ, तो कहीं भी हाइट होता है तो माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, जिससे नीचे से यहाँ पे गिर जाती है ये पार्ट रीजन, और ये ब्लॉक का निर्माण हो जाता है और यहाँ हाइट बच जाता है। तो इसे ही कहते हैं हम ब्लॉक माउंटेन्स। फिर से मैं समझाता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ब्लॉक माउंटेन, फिर समझाता हूँ। जैसे अर्थ का अपर सरफेस है क्रस्ट, तो होता है कहीं कहीं से, जैसे मैं बता रहा हूँ ये उस रीजन है समझिए, ऐसा है, प्लेट्स जो है सो आपस से काफ़ी दूर चली जाती हैं, तो कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद, इस टाइप का फॉर्मेशन होगा। तो ये हाइट जो होगा मैं समझाना चाह रहा हूँ, यही माउंटेन्स का निर्माण होगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में सबसे कॉमन एग्जांपल है सीरा नेवाडा।
आप स्पेलिंग नोट डाउन कर सकते हैं, SIERRANEVADA। ये कहाँ पे है? सीरा नेवाडा, ये नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद दूसरा जो ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है वो है हर्ज माउंटेन। स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, HARZ, हर्ज माउंटेन। ये कहाँ पे? यूरोप में है, यूरोप में जर्मनी में है। तो उम्मीद है यह टॉपिक समझ में आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है वॉल्केनिक माउंटेन। इस टॉपिक को शुरू करने से फ्रेंड्स आपने हाल ही के दिनों में न्यूज़ आप देखते हो रेगुलर, तो देखने को आया होगा कि एक सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, और वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन के कारण कुछ सालों बाद वह माउंटेन के रूप में बदल जाएगा, जिसे बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। तो आपको उस कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। अगर आप ऐसा करते हो बिना गूगल में सर्च किए हुए या न्यूज़पेपर देखे हुए, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो करंट अफेयर्स के टॉपिक में। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक बताया वॉल्केनिक माउंटेन। अब वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर जो होता है काफ़ी हाई होता है, और पृथ्वी का जैसे तीन पार्ट होता है मैं बता देना चाहता हूँ आपको। तो अपर सरफेस जो बोलते हैं उसे बोलते हैं क्रस्ट, बीच का सरफेस होता है उसे बोलते हैं मेंटल, और सबसे जो अंदर का जो सरफेस होता है उसे कोर बोलते हैं। तो कोर, मेंटल, क्रस्ट, आप इसे याद रख सकते हैं। तो अंदर का टेम्परेचर जो होता है काफ़ी हाई होता है, और इसके नीचे मैग्मा होती है, लावा होता है, कुछ कुछ कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मैं उसी का नाम ले रहा हूँ। तो काफ़ी हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट के कारण ये मैग्मा जो होता है ऊपर की तरफ निकलता है। और जैसे मान लीजिए आप ये पृथ्वी का सरफेस है और नीचे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, तो ये इस तरह का शेप लेना शुरू हो जाएगा, और कुछ दिन बाद ये धीरे धीरे प्रेशर जो यहाँ से क्रिएट जब होता ही रहेगा तो ये सरफेस ऊपर से ऑटोमेटिक खुल जाएगा और नीचे से लावा और मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा यहाँ से। और कारण यही है कि जो यहाँ से मैग्मा जब यहाँ से निकलती है तो ये काफ़ी एक स्लोपी वे में यहाँ पे एक स्लोप बनाता है, स्लोप का क्रिएशन होता है। तो इसीलिए वॉल्केनिक माउंटेन पे अच्छा खासा स्लोप देखने को मिलता है। और इस टाइप के कोन्स को सिंडर कोन्स और कंपोजिट कोन्स भी बोलते हैं। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वॉल्केनिक माउंटेन का, माउंट फुजियामा। ये कहाँ पर है? माउंट फुजियामा जापान में है, जबकि जापान में वॉल्केनिक इरप्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है लैसन पीक, स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, LASSEN, लैसन पीक। फ्रेंड्स एग्जाम्पल याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कैलिफोर्निया में है यानी कि US में होगा। एग्जाम्पल याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन जो होगा सो आपको हमेशा एग्जाम्पल से ही पूछेगा। जैसे कि क्वेश्चन में दे सकता है कि टाइप्स ऑफ माउंटेन, अब पूछ सकता है यह वॉल्केनिक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है या फोल्ड माउंटेंस है। तो इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स वॉल्केनिक माउंटेन में इतना ही है आज का टॉपिक में, और क्लाइमेट चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि लास्ट टॉपिक जो हमारा है, हमारा यह एक अलग ही चैप्टर है। इस पर क्लाइमेट डिपेंड किस प्रकार से होता है इसे समझने के लिए आपको पूरे ऊपर के 8 टॉपिक समझ में आना चाहिए। एक अलग ही टॉपिक है, सवाल लंबा टॉपिक है, और इसे समझने के लिए मैं, आप कहोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और मैंने जो अभी तक 8 टॉपिक बताए लैटिट्यूड से लेकर माउंटेन तक, उसे आप तीनों वीडियो देख चुके होंगे आप लोग, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्लाइमेट ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा, जो मैंने सीरीज़ शुरू की थी क्लाइमेट के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।